मैं हिमांशु एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे ल्हासा एप्सो के बारे में। देख ही सकते हैं आप मेरे हाथ में एक छोटा सा क्यूट सा डॉग। जी हाँ, ये ल्हासा एप्सो का पपी है। तो इसके बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा, इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, इसका एवरेज वेट क्या है, इनका टेम्परमेंट क्या है, घर में पालने लायक डॉग है कि नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा और कुछ एंशियंट फैक्ट्स भी आपको इनके बारे में बताऊंगा जो आपने शायद ही कहीं सुने हो। बात करते हैं इनके ओरिजिन की। तो ये ब्रीड तिब्बत से है, तिब्बत की कैपिटल सिटी है ल्हासा, और ल्हासा शहर के नाम पर ही इस ब्रीड का नाम आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आपको एक और खास बात मैं बताना चाहूंगा, तिब्बत के लोग इस डॉग को बहुत ही गुड फॉर्चून डॉग मानते हैं। वहां पर इस डॉग को पहले कभी सेल नहीं किया जाता था, कभी बेचा नहीं जाता था। इस डॉग को हमेशा कोई भी अपने एक प्रियजन को गिफ्ट के रूप में देता था, और अगर किसी को गिफ्ट मिला है तो मान लीजिए कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा गुड फॉर्चून और बहुत ही लकी साबित होने वाला है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया गुड फॉर्चून के बारे में, तो मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा। 1930s की बात है, चार्ल्स कटिंग यूके से एक ट्रैवलर हुआ करते थे जो कि तिब्बत मोनास्ट्रीज विजिट करने आए। वहां पर दलाई लामा 13 ने चार्ल्स कटिंग को ये ल्हासा ब्रीड एज अ गुड फॉर्चून गिफ्ट की। चार्ल्स कटिंग उसको अपने साथ लेकर गए और इतने ज्यादा इम्प्रेस हो गए इस ब्रीड की क्वालिटीज से और इसकी ओवरऑल लुक से कि उन्होंने इसको इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और आज यही रीजन है कि पूरी दुनिया में, दुनिया के कोने कोने में हम लोगों को ल्हासा की ब्रीड देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इनके बॉडी डिजाइन की। तो बेसिकली एक छोटी ब्रीड का डॉग है, इसको टॉय ब्रीड भी कहा जाता है। अब इनका जो एवरेज वेट होता है वो वेरी करता है। फीमेल का एवरेज वेट होता है 5 to 7 kg एंड मेल का एवरेज वेट होता है 6 to 10 kg। अब इसकी कुछ पहचान है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। जब भी आप ल्हासा के ऊपर हाथ फेर कर देखेंगे इसके कोट पे, तो ये आपको एक हैवी डेंस कोट मिलेगा। देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, डबल कोट, डेंस कोट कहते हैं इसको, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप इसको फेस से यहाँ से देखेंगे तो आपको बीच में एक पार्टीशन नजर आएगा, आधे बाल इस तरफ जाते हुए, आधे बाल इस तरफ जाते हुए। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, बात करते हैं इनके पॉज की। इनके चारों पैर हैवी बालों से, हैवी डेंस बालों से ढके हुए रहते हैं, इवन इनफैक्ट इनके नेल्स भी विजिबल नहीं होते। चौथी बात करते हैं इनके फेस की। तो ल्हासा और शिट्जू में बहुत लोग ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन दोनों ब्रीड्स की एक बहुत ही कॉमन सी चीज, दैट इज आईज, उनके शेप को देखकर हम लोग पहचान सकते हैं कि ये ल्हासा है कि ये शिट्जू है। ल्हासा की आईज होती है राउंड और शिट्जू की आईज होती है आलमंड शेप, बादाम का जो शेप होता है वैसे शेप की होती है। तो आप बिल्कुल देखकर इजीली पहचान सकते हैं कि ये ल्हासा है कि ये शिट्जू है। फेस की बात करें तो इनका फेस जो होता है, हम लोग उसको कहते हैं एप्पल हेड, और थोड़ा सा पंच फेस होता है। बट कंपेयर करें अगर इसको शिट्जू से, तो शिट्जू का फेस और ज्यादा पंच होता है। बात करते हैं इनके लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। तो इनकी एवरेज लाइफ होती है 12 to 14 years। बट कुछ केसेस में, जैसे आज तक की सबसे लंबी उम्र जीने वाला ल्हासा वॉज 29 years old। जी हाँ, आप गलत नहीं सुन रहे हैं, 29 years तक वो ल्हासा जिया है। कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ल्हासा ब्रीड को लेके कुछ भी क्वेरीज हैं कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द आपकी क्वेरीज हम लोग रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।